Hello everyone. Welcome to our channel Join mS Academy. Today we are going to do questions of chemistry in everyday life. PDF of this session is available on our app and also on our telegram channel. Link of both these are present in our description box. If you want PDF you can check these links. Now let's start with the questions. An antibiotic with broad spectrum option A. किल्स द एंटीबॉडीज ऑप्शन बी एक्ट्स ऑन अ स्पेसिफिक एंटीजन ऑप्शन सी एक्ट्स ऑन डिफरेंट एंटीजेंस ऑप्शन डी एक्ट्स ऑन बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ सो क्वेश्चन ये है कि जो एक एंटीबायोटिक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड एक एंटीबायोटिक होती है नैरो स्पेक्ट्रम तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज़ है उनका एक्शन क्या है तो इसका करेक्ट आंसर है दे एक्ट ऑन डिफरेंट एंटीजेंस तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स उनका कुछ जो एंटीजन है वो फिक्स नहीं है कि वो कहाँ एक्ट करेंगे तो वो जितने भी एंटीजन होते हैं उन सब पे एक्ट करते हैं इसलिए इनका करेक्ट आंसर है एक्ट ऑन डिफरेंट एंटीजें विच इज़ ऑप्शन सी पेनिसिलिन वॉज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए टेंड साल के ऑप्शन बी ए फ्लेमिंग ऑप्शन सी एस ए वॉक्सना ऑप्शन डी लिविस पाश्चर तो इसका करेक्ट आंसर है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन बी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन नोट आइटम फाउंड आउट किया था वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने एक्सीडेंटली फाइंड आउट किया कि ये पेनिसलिन एक एंटीबायोटिक है और जब ये उनके जो मीडिया प्लेट जिस पर वर्क कर रहे थे वहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाया तो उन्हें पता चला कि ये जो पेनिसिलिन है ये एंटीबायोटिक है मीन्स जो उनका बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको इस पेनिसिलिन ने ग्रो करने नहीं दिया तो पेनिसिलिन डिस्कवर्ड हुआ था ए फ्लेमिंग के द्वारा विच इज़ ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन वर्नॉल ऑल अ बारबीट्यूरेट ड्रग इज़ यूज एज ए एनेस्थेटिक बी एंटीबायोटिक सी सेडेटिव डी नन ऑफ दीस सो इसका करेक्ट आंसर है सी सेडेटिव सो ये जो बारबीट्यूरेट्स होते ये ड्रग होते वो सेडेटिव की जैसे यूज होते हैं जो हमारे ब्रेन को कामनेस रिलैक्सिंग और हम एक ड्राउज़ीनेस कंडीशन में लेके जाते हैं और ये जो बारबीटूरियस होते हैं वो उन पेशेंट को जनरली दिया जाता है जिनका ब्रेन की एक्टिविटी हमें स्टॉप करनी हो या स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं या डिप्रेशन में सोच सोच के चले जाते हैं तो उन लोगों को ये ड्रग्स दिए जाते हैं सेडेटिव जिससे उनका ब्रेन वर्क करना या जो उनकी हाइपर एक्टिविटी है ब्रेन की जो ओवर है उसको स्टॉप कर दी जाए या इस और उनको एक ड्राउज़ीनेस कंडीशन में डाल दिया जाए इसलिए ये वर्नल ड्रग यूज़ होते हैं सो so, जो वर्नॉल है वो सेडेटिव है एंड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर सेडेटिव अब बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग इज़ ए रिथ्रोमाइसिन बी अमीनोग्लाइकोसाइड सी पेनिसिलीन डी ऑल्फो सो वॉट आर बैक्टीरियोस्टैटिक्स पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए तो जो स्टैटिक है वो ऐसे ड्रग्स है जो बैक्टीरियल की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं सो so, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंड अदर जो होता है वो होता है बैक्टीरियो सीडल तो जो बैक्टीरियो सीडल होता है अगर वो कोई भी पर्सन अगर उसको कंज्यूम करता है तो उसके बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं सो so, इसका करेक्ट आंसर है एरेथ्रोमाइसिन ऑप्शन ए तो जो ये इरेथ्रोमाइसिन है ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है streptomycin is effective in the treatment of a tuberculosis b typhoid c malaria d cholera so its correct answer is tuberculosis so ye jo disease hai tuberculosis ye hoti hai microbacterium tuberculosis se और ये जो एंटीबायोटिक यहाँ पे दिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी है बाकी यहाँ पे जो गिवन है टाइफाइड ये सालमोलिना टाइफी से होता है और कॉलेरा वीब्रोकॉलेरे से होता है ये टाइफाइड और कॉले जो है ये भी एक माइक्रोबियल डिजीज़ ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है बट बिकॉज जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ओनली एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी है ये सिर्फ इफेक्टिव होता है ट्यूबर के केस में बाकी बैक्टीरियल डिजीज में ये कोई भी हेल्प नहीं कर सकता तो हम वहाँ पे अगर ये देंगे तो ये वेस्ट ऑफ ड्रग होगा फॉर दैट पर्सन तो ये कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि कोई भी जो एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी है वो किसी भी पेशेंट को दे दी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीसेप्टिक ड्रग ऑप्शन ए आइडोफॉम ऑप्शन बी डेटॉल ऑप्शन सी गामा एक्जीन ऑप्शन डी जेंशियन वॉयलेट सो इसका करेक्ट आंसर है गामा एग्जीन सो ये जो बाकी तीनों है ये एक एंटीसेप्टिक ड्रग है एंड जो इसमें ये जो सी ऑप्शन है ये एक बैट इंसेक्टिसाइड है तो जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो हम जनरली क्रॉप्स पे यूज़ कर सकते क्रॉप्स पर यूज़ करते हैं ताकि उनको कोई डिजीज़ कॉज ना कर सके या कोई भी उनके ऊपर वॉम जैसे बीटी टी कॉटन एक एग्जांपल है वहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ या जो बहुत सारे एफिड्स वगैरह आ जाते हैं तो उन केसेस में ये गामाजीन या अदर इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं और ये जो एंटीसेप्टिक ड्रग होता है ये यूज़ होते हैं जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हम उस एरिया को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं तो बाकी जो तीनों हैं वो तीनों एक एंटीसेप्टिक है एक्सेप्ट द गामा एक्जीन एस्प्रीन इज ऑल्सो नोन एज ए मिथाइल सैलिसलिक एसिड बी एसीटाइल सैलिसलिक एसिड सी एसीटाइल सैलिसलेट डी मिथाइल सैलिसलेट सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज एसिटाइल सैलिसलिक एसिड जो एस्प्रीन है उसको हम एसिटाइल सेलेसिलिक भी एसिड भी कहते हैं और ये जनरली ऐसा एनर्जेसिक यूज होता है फर्दर ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल इन बॉडी इज अरेस्टेड बाई ए कीमोथेरेपी बी फिजियोथेरेपी सी इलेक्ट्रोथेरेपी डी साइकोथेरेपी सो इसका करेक्ट आंसर है कीमोथेरेपी जो कीमोथेरेपी होता है वो जनरली जो कैंसर पेशेंट होते हैं आफ्टर जैसे अगर उनका एक कोई ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर है तो वहाँ से जब हम उस ऑर्गन को हटा देते हैं उनके बॉडी से तो उसके बाद भी कुछ सेल्स रह जाते हैं जो फर्दर कैंसर कॉज करने के लिए पोटेंट होते हैं सो so, उन सेल्स को मारने के लिए या कोई ऐसा टाइप का कैंसर हुआ जो एक ऑर्गन स्पेसिफिक ना हो के ब्लड में हुआ या बोन मैरो में हुआ जहाँ पे हम उस ऑर्गन को उनकी बॉडी से निकाल नहीं सकते तो उस केस में कीमोथेरेपी यूज़ हो जाता है तो कीमोथेरेपी एक टाइप का उनके लिए यूज़फुल होता है जहाँ पर वो सेल्स की जो ग्रोथ कंडीशन है उसको अरेस्ट कर सकते हैं सोडियम अल्कल बेंजीन सल्फोनेट इज़ यूज एज ऑप्शन ए सोप Option B, pesticide. Option C, fertilizer. Option D, detergent. Correct answer is option D, detergents. Next question Which of the following is used as antioxidants? Option A, butylated hydroxy BHT. Option B, butylated hydroxy anisole BHA. Option C, नन ऑफ दीज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी सो ये बी एच टी एंड बी एच ए जो है ये फूड को ऐसा प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम इन दोनों कंपाउंडस को ऐसा एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं जैसे कि फ़ूड जल्दी स्पॉयल ना हो जाए तो ये फूड जो या पैकेट फूड आता है उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए ऐसा एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर वाज ऑप्शन ए सुक्रोज ऑप्शन बी सैक्रीन ऑप्शन सी फ्रक्टोज ऑप्शन डी एस्पार्टेम सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सैक्रीन जो सैक्रीन था वो फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह डेवलप किया गया था एंड इसको जब बाकी स्वीटनर्स डेवलप नहीं हुए थे सबसे ज़्यादा इसी की यूज़ होती थी विच आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज़ हाइस्ट कैलोरोफिक वैल्यू ऑप्शन ए सैक्रीन ऑप्शन बी एस्पाटेम ऑप्शन सी एलिटेम ऑप्शन डी डलसिन सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एलिटेम जो एलिटेम है उसकी सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में से कैलोरोफिक वैल्यू है ये जो हम नॉर्मल शुगर यूज़ करते हैं केन शुगर जो जिसको बोलते हैं उससे ये सिक्स टाइम ज़्यादा स्वीटर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉन नार्कोटिक एनर्जेसिक ऑप्शन ए एस्प्रीन ऑप्शन बी कोडीन ऑप्शन सी वैलियम, ऑप्शन डी फार्मा क्लोरोफिनिकॉल सो इसका करेक्ट आंसर है ए, एस्प्रीन सो जो एनर्जेसिक्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं एक नार्कोटिक एंड अदर वन इज नॉन नार्कोटिक सो जो नॉन नार्कोटिक होता है वो जाके उस जगह पे एक्ट करते हैं जहाँ से प्रोस्टाग्लैंड या फिर पेन जिस जिन हारमोन्स की वजह से हमें पेन की सेंसेशन होती है ये वहाँ पे जाके उनके जो साइट्स होते हैं जहाँ पे वो मॉलिक्यूल जाके अटैच होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं जिससे हमें पेन की सेंसेशन नहीं होती है और जो नॉन नारकोटिक एनर्जेसिक है इनकी हमें आदत भी नहीं पड़ती है इसलिए ये नॉन नारकोटिक होते हैं बाकी जो नारकोटिक होता है अगर हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते रहें तो हमें उसे बिना यूज़ किए एक अजीब सी फीलिंग होती है कि जैसे हमें अभी भी पेन हो रहा है इसलिए दो, दो जो एनर्जेसिक है वो टू टाइप्स के हैं एक नार्कोटिक एंड अदरव सेकेंड इज़ नॉन नार्कोटिक एनर्जेसिक डेटॉल इज मिक्सचर ऑफ ऑप्शन ए आयोडीन प्लस सोडियम ऑप्शन बी हेक्साक्लोरोफीन ऑप्शन सी बोरिक एसिड प्लस मीथेन ऑप्शन डी क्लोरोऑक्सीनॉल प्लस टर्पिनॉल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोऑक्सीनॉल प्लस टर्पिनॉल द ड्रग विच इज़ इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया इस ऑप्शन ए एस्प्रीन ऑप्शन बी क्विनिन ऑप्शन सी एलजीन ऑप्शन डी क्विनालिन सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज़ क्विनिन ये अभी कोरोना के टाइम में भी हाइड्रोक्सीक्लोरोन के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है तो जब फीवर या आ, फ़ीवर के वजह से आर बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होने लगते हैं तो ये जो क्यूनोन ड्रग है ये फ़ीवर को कम करने में हेल्प करता है और मलेरिया के, के केस में भी यही होता है कि जो पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा फीवर होता है एंड उसके वजह से उसका प्लेटलेट काउंट्स बहुत डिक्रीज हो जाते हैं मॉर्फिन इज़ ऑप्शन ए एनेस्थेटिक ऑप्शन बी एकवेनलिन ऑप्शन सी एनर्जिस्टिक ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स सो so, मॉर्फिन है वो एक एर्जेसिक है एंड ये एक टाइप का नार्कोटिक नार्कोटिकर्जेसिक है जैसे अभी मैंने वहाँ पे बताया था एनर्जेसिक टू टाइप्स के होते हैं तो जो नार्कोटिक एनर्जेसिक है मॉर्फिन उसका एग्जाम्पल है विच इज़ यूज फॉर स्टरिलाइजेशन ऑफ वाटर इन वाटर सप्लाई सिस्टम इन सिटीज ऑप्शन ए क्लोरिन ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन सी पोटेशियम पर ऑप्शन डी डी सो so, इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन सो so, जो ये वाटर सप्लाई सिस्टम्स होते हैं इनके अंदर जनरली क्लोरीन डाला जाता है और क्लोरिन एक डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है इसलिए जो हमारे पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में वाटर होता है तो वहाँ पर क्लोरिन डाल के ही उस वाटर की प्योरीफिकेशन की जाती है बिथिनॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए डिसइनफेक्टेंट ऑप्शन बी एंटीबायोटिक ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक ऑप्शन डी एनर्जेसिक सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक पिथनॉल एक टाइप का एंटीसेप्टिक है जो अगर किसी को चोट लगती है तो उसकी सरफेस क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है जिससे वहाँ पे कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके ग्रोथ करके वहाँ पे और डिफ़िकल्ट सिचुएशन ना बना दे जिससे उस चोट को या जो भी वहाँ पे डैमेज हुआ है उसको हील होने में टाइम लगे सो एंटीसेप्टिक सरफेस पर यूज़ होते हैं ह्यूमन सर्फेस पे डिसइनफेक्टेंट भी सर्फेस क्लिनिंग के लिए यूज होते हैं बट ये नॉन लिविंग सर्फेस पर यूज़ होते हैं एंड एंटीसेप्टिक लिविंग सर्फेस पर यूज होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अ मेडिसिन विच प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड ऑप्शन ए यूरेटिक ऑप्शन बी डाई यूरेटिक ऑप्शन सी मोनो यूरेटिक ऑप्शन डी ट्राई यूरेटिक सो इसका करेक्ट आंसर है डाई यूरेटिक्स डायूरेटिक्स एक टाइप के ड्रग्स होते हैं जो एक पर्सन को दिए जाते ताकि उसमें उनमें यूरिन सिक्रीशन ज़्यादा हो जो अगर उनके बॉडी में वेस्ट बन रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके बॉडी से रिलीज़ हो उसके लिए उन्हें डायूरेटिक्स दिया जाता है एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक यू